अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। मजदूर करने के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है, तो जिस तरह से उनके साथ आए दिन घटना घटती जा रही है, तो मैं मेरे हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपार हाई कैनाल प्रोजेक्ट बना हुआ कोलासा पर होता है, तो उसमें उसकी घोषणा की जाए, तो हमारे कुशलगढ़ और बागीदोरा की जनता को लाभ मिल सके। इस तरह से हमारे राजस्थान सरकार के माननीय अशोक जी गहलोत साहब जिस तरह से राजस्थान में कोरोना काल में जिस तरह से हमारी जनता का और जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से हमारे लोगों को आम आदमी को जिस तरह से बचाया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके हमारे साहब का लगाव है हमारे कुशलगढ़ से, स्वर्ग की खरिया जी नहीं है तब भी मैं जाती हूँ तो साहब विशेष करके मुझे बेटी के रूप में मुझे बुलाते हैं और जो भी मैं काम लेके जाती हूँ तो सब विशेष करके उसको ध्यान से सुनते हैं और जो मैंने कहा वो कराया। पर मैं उम्मीद आशा करती हूँ कि जो हॉस्पिटल कुशलगढ़ का और कसारोड़ी का है बड़ा बांध है उनकी घोषणा की जाए, सबकी जनता की आपके ऊपर निगाह टिक टिका के लगी हुई है, तो इस माध्यम से स्वर्गीय खड़िया जी की मूर्ति के अनावरण के माध्यम से आप घोषणा की जाए, यह मेरी अपेक्षा है। सब मेहमान पधारे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य मैडम साहब। और आइए आज के कार्यक्रम के हमारे सम्मानित सदस्य सभी और नगर परिषद बांसवाड़ा के सभापति महोदय सम्मानित जनरल जी साहब से निवेदन करूँ के पधारे और इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वर्गीय जी खड़िया की मूर्ति अनावरण जो उनके बेहतर गांव में आज हो रही है, उसमें हमारे सबके बीच में वर्चुअल प्रोग्राम के रूप में जो है हमारे राजस्थान के मसीहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन सिंह जी भावनिया साहब, सीएमसी के सदस्य रवि जी मीणा जी, जिला प्रमुख रेशम जी नाइवेरा जी, पूर्व विधायक रमेश जी पंड्या जी, जिला अध्यक्ष कानवर जी जैन साहब, पूर्व संसदीय सचिव दिवाकरण कामोल, अमरनाथ के जिला कलेक्टर लास्ट्री मदर और समर्थ गांव गांव से आए हुए कार्यकर्ता भक्तों, इसी का दिन है कि स्वर्गीय विक्रम जी खड़ेगा जो छात्र राजनीति सीएम साहब ने चालू कर दिए एजेंसी से 95 के अंदर वो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष बने हैं। मुझे खुशी है कि उनके कार्यक्रम में मैं भी उनका जिला मुख्यमंत्री रहा और आज इस कार्यक्रम की जो स्वयंता है इनकी एक सोच थी आदरणीय यहाँ की विधायक जमीला जी आज हम उनका सपना पूरा कर रही है। सर मैं बताना चाहूंगा कि उद्योग जी खड़े आपके शुरू से उनके प्रति बहुत आकर्षित हो रहा था, आपने अगर से इसको टिकट दिया इस एरिया में कोई भी कार्य होता है उनकी खड़े आपके फिर आ गए पूरे दिन को कोई ना कोई कार्य देते चाहे वो कार्य करते भी थे, उन्होंने शुरू से आपके गांव गांव पहले में जो लोग रह रहे उनका भुगतान कैसे कर सके, गरीब लोगों का भुगतान कैसे कर सके, राजनीति में हम अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए डाल दी तो इस मोर्चे पर उनको शक्ति सरकार नहीं दुआ सदन उनकी मौत हुई उसके बाद बिहार की जनता थे उनकी पत्नी हमारी बहन रमेश जी से प्रार्थना करी कि हमारा किसी अगर खराब हो गया और आपको थोड़ा बदला उठा गया तो रमेश जी ने विधायक बनी उनका सपना प्रकार कर रही है और जैसे ही रमेश जी विधायक बनी
जो उद्यम जी के गृह जी के जो अधूरे सपनों को पूरा करूंगी और अपने गर्व के साथ कह सकते हैं यहाँ पर जनता भेजी हुई है कि रमेश जी जो उनके सपनों से उनको पूरा कर लिए और हम कहेंगे कि उनके जो भी सपने अधूरे रह गए मुख्यमंत्री जी जो रमेश जी ने कहा जो प्रयास करिए उसको आप पूरा करें। दूसरे एक बात में मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा इस कोरोना काल के अंदर आपका जो कार्य किया गया है के रूप में आप लोगों ने कार्य किया किसी के लिए जो कौन सा रसोई किया मुझे खतरा नगर परिषद में हुआ रसोई के द्वारा हम लोगों ने पांच लाख गरीब लोगों से कोरोना के अंदर किया है स्थिति के लोगों को बन गया था पहले भी खाना पीने में बैठा जो पूरा रसोई खोली गई उस पूरा रसोई के माध्यम से गाँव की जनता जो आती थी वो पूरा रसोई के माध्यम से आती थी जैसे समझ में सरकार जो लकड़ी की व्यवस्था करी थी हमारे देखा था मुख्यमंत्री जी ऐसे थे जहाँ लकड़ी नहीं मिलती थी और आपने यह आदेश किया को कि कोई भी क्या करती है हॉस्पिटल का क्या करें वो एम्बुलेंस के द्वारा जनता के लकड़ी आपके द्वारा दी गई जी दिया गया जो भी संस्कार किया गया पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री हुए बच्चे उन बच्चों को जो विदेश जो बैनर हो गई उनको जो अपने आर्थिक संबल प्रदान किया उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। शुरू से इस भारत के प्रति प्रेम रहा एक बात यहाँ कहकर अपने साथ समाप्त करूंगा। मुख्यमंत्री जी ये हमारा ट्राइबल एरिया है तीन भर मुख्यमंत्री है हमेशा इस देश भगड़ के प्रति रहा जब भी यहाँ कोई भी फैसला होता है या कोई भी योजना होती है हमारा हमेशा आप पर रहा है हमारा ट्राइबल मिनिस्टर भी अमरिया जी बैठे हुए हैं पुराने में भी लगातार एक्सपीरियंस के साथ कार्य किया यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं ऑक्सीजन की कमी हमें नहीं होती है कहना चाहूंगा आपने जो गैस में काम के लिए 125 करोड़ रुपए की जो योजना दी है उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो वादे है उसको मैं मेरी और मावजी के नाम से जाना जाता है मतलब विद्या सिंगरी मावजी मतलब हमारे जो बेहसर प्रांत के मावजी है और माही मतलब हमारे जो अपना भाई देव है इन तीन टाइटल एरिया को जाना जाता है। टाइटल एरिया में आज की तारीख में जो सामाजिक स्वास्थ्य बना है तो ट्राइबल टूरिज्म की बहुत जरूरत है। हमने हमारे मंत्री जी से भी बात करी है कि ट्राइबल टूरिज्म पर्यटन की दृष्टि से ट्राइबल में डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे यहाँ का जो युवा आदिवासी भाई है उसको रोजगार मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर गुजरात एरिया पड़ता है इधर से हमारा एमपी एरिया पड़ता है उदयपुर तक का हमारा टूरिज्म आता है तो उदयपुर के आगे पांचवाड़ा दुनिया को हमारा टूरिज्म आने पाता है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि टूरिज्म के नाम पर यहाँ पर एक अलग से बजट दिया जाए कि यहाँ पर टूरिज्म में ज्यादा होगा और यहाँ की जो संस्कृति है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वर्गीय उर्तेंग खड़िया की प्रतिमा का अनावरण वर्चुअल तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधे जयपुर से जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वर्गीय उर्तेंग खड़िया की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। वर्चुअल अनावरण इस वक्त किया जा रहा है।